हाय फ्रेंड्स, दिस इज केडी शिवम। आज के हमारे संडे का वीडियो का टाइटल है जैसी करनी वैसी भरनी, इथिक्स इन बिजनेस। हाँ दोस्तों, मेरा मानना है आसमान सिर्फ आसमान है, ना वहाँ कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, जो भी है वो इस धरती पर है। राइट, आप जो करोगे वही आप पाओगे, आप जितना दोगे उससे दुगना आप पाओगे। तो अगर आप अच्छाई देते हो, किसी को स्माइल, किसी को खुश करते हो, किसी को खुशी देते हो, तो वो सारी चीज़ आपको दुगनी मिलेगी। लेकिन अगर आपने किसी को रुलाया, किसी का गलत किया, वो सारी चीज़ें आपको डबल मिलेगी। तो सोच समझ के कीजिए, ये जो कर्मा है ना, ये कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ता, यह है लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का ये नियम है। राइट, तो ये स्टोरी भी कुछ ऐसी है, तो ये स्टोरी को लास्ट तक देखना, आपको और हमको कुछ सीखने मिलेगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियो। तो लेट्स गो टू द स्टोरी। रमेश एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का ओनर था, वो मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करता था। वो अपने फैमिली के साथ बहुत खुश था, उसके पास सब गाड़ी बंगला सब कुछ था, क्योंकि उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। उसके पास कम से कम 200 एम्प्लॉयज़ थे, जो वो भी खुश थे क्योंकि कंपनी अच्छी चल रही थी। फार्मास्यूटिकल कंपनी में हर महीने ये जो मेडिसिनल वेस्ट है उसको डिस्पोज करना पड़ता है, लेकिन इस डिस्पोजल के वजह से रमेश का जो प्रॉफिट का प्रपोर्शन है वो कम हो जाता था। रमेश थोड़ा चिंतित रहता, लेकिन वो बेबस था, वो कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन क्या हुआ, एक शख्स आया और वो एक ऐसी मशीन लेके आया, उसने रमेश को ऑफर दी कि ये जो आप डिस्पोजल वाला मेडिसिन है, उस मेडिसिन को मैं रीप्रिंट करके दूं और आप वापस मार्केट में दे सकते हो, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। रमेश जानता था कि इससे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन जब उसने प्रॉफिट का सोचा, 700 टाइम्स प्रॉफिट, तो वो उस लालच में वो उस मशीन को खरीद बैठा और उस मशीन से उसने जितने डिस्पोजल मेडिसिन है उसे रीप्रिंट करके फिर से मार्केट में उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इस तरह उसकी जो आमदनी थी, उसकी जो कमाई थी, वो दुगनी चौगनी हो गई। उसने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ खरीदे, उसने गाड़ियाँ, नई नई गाड़ियाँ खरीदी, लेटेस्ट गाड़ियाँ खरीदी, और वो खुद को डेवलप करने लगा। एक दिन रमेश फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग में बैठा था, उस मीटिंग में एक बहुत बड़ा डील होने वाला था। तो वो मीटिंग 5 से 6 घंटे चली, और रमेश की एक आदत है, मीटिंग के वक्त वो हमेशा मोबाइल को फ्लाइट मोड में रखता है। शाम को जब मीटिंग ख़त्म हुई, रमेश ने मोबाइल उठाया और स्विच ऑन किया। उसने देखा उसकी वाइफ का 10 से 15 मिस्ड कॉल है। उसने तुरंत कॉल बैक किया, उसने पाया कि उसकी वाइफ उसकी बच्ची का नाम लेके रो रही है। रमेश को कुछ समझ नहीं पड़ा, वो रोती जा रही है। रमेश ने तुरंत कॉल कट किया और घर की तरफ भागा। रमेश जैसे ही घर के अंदर गया, पापा को देख के उसने हाथ ऊंचा किया और उसका हाथ धप करके नीचे गिर गया। हाँ दोस्तों, उसकी बेटी दुनिया छोड़ के चली गई, उसकी वाइफ बहुत रोने लगी। रमेश को कुछ समझ नहीं पड़ रहा था, रमेश जिस बच्ची को अपनी दुनिया समझ रहा था, उसकी दुनिया लूट गई, उसके सामने अंधेरा सा छा गया। रमेश को रोना आने लगा और वो जोर जोर से रोने लगा उसने पूछा उसकी वाइफ से, अचानक कैसे हुआ, सुबह तो अच्छा खेल रही थी। अचानक उसकी वाइफ ने बताया कि उसको पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने आपको कॉल किया मेडिसिन के लिए, लेकिन आपने फ़ोन उठाया, रिसीव नहीं किया। मैं बाहर से मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आके उसे दिया, और थोड़ी देर में उसे इरिटेशन होने लगा और वो तड़पने लगी। मैंने आपको बहुत बार कॉल किया, लेकिन आपने रिसीव नहीं किया, और अभी ये हो गया। रमेश रोते रोते उस मेडिसिन को उसने हाथ में लिया, और देखते ही वो शॉक हो गया, उसका रीप्रिंट किया हुआ मेडिसिन था। हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं कर्मा। सो दोस्तों, रमेश ने बहुत पैसे कमाए, लेकिन अभी उसने सब कुछ गंवा दिया। बस ये है कर्मा। दोस्तों, ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो कभी भी कोई भी बिजनेस करो, इथिक्स के साथ करो, और इथिक्स आपको लंबे टाइम तक खुशी देगा,
पैसे भले कम देगा लेकिन खुशी बहुत देगा, और जिंदगी खुशी के लिए जियो, पैसे के लिए नहीं। सो दोस्तों, इस वीडियो को इस कदर शेयर करो कि सबको इसका बेनिफिट मिले, सबको इसमें से कुछ सीखने मिले, राइट। तो प्लीज़ शेयर हमारे वीडियो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट नोटिफिकेशन मिले हमारे अगले संडे का वीडियो का। ओके, तो बाय टिल नेक्स्ट संडे, बाय।